हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल दानेदार बेसन के लड्डू। सिर्फ घी, बेसन, चीनी, कोई अलग इंग्रेडिएंट, स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। ये तीनों चीज़ें आपके घर में हमेशा रहती है, ना सूजी डालेंगे ना दूध डालेंगे, और आप देखिएगा रिजल्ट, मान जाएंगे आप इस रेसिपी के बाद। तो बस यहाँ पे 1/2 kg बेसन लिया है, 750 ग्राम चीनी लिया है और 250 ग्राम घी। चीनी जनरली हलवाई 1 kg डालते, डबल डालते बेसन का, वो बहुत मीठा हो जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको इतना ही मीठा चाहिए तो आप 1 kg भी कर सकते हैं। अच्छा, घी यहाँ पर आप 150 भी डाल सकते हैं, 200 ग्राम भी डाल सकते हैं, और बाद में अगर जब लड्डू नहीं बनता है तो ऊपर से घी डाल लीजिएगा। घर पे बना रहे, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, जैसा आपको सही लगे। बस यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में घी दिया है, और उसके बाद जो बेसन है मैं यहाँ पे छान के डाल रही हूँ। बेसन हमेशा आपको छान कर ही डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये मिस मत करिएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो में दिखाया है। आप चाहे तो पहले से छान के रख लें और बस कढ़ाई में मिक्स करिए, और यहाँ पर धीमे आंच में ही काम करना है, हाई स्पीड पे नहीं करना है। बस आपको ऐसे मिक्स करते रहना है। उसके बाद इनिशियली एक डो जैसा बन जाएगा, लगेगा ये क्या हो रहा है, बट इसके बाद धीरे धीरे ये लिक्विडिफाई होता जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ा येलोइश हो रहा है, लेकिन ये बाद में हल्का गोल्डन हो जाएगा। ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है, बट करना है। देखिए धीरे धीरे अभी ढीला होता जा रहा है, और ये मैं आपको बार बार ये स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे चेंज हो रहा है। देखिए फिर आपका इस स्टेज में आएगा, और हमको तब तक फ्राई करना है जब तक कि पूरा लिक्विड हो जाएगा। जी पूरा लिक्विड हो जाएगा, आपको ऐसे ही फ्राई करते रहना है। मैंने इसको 40 से 45 मिनट तो आराम से फ्राई किया है। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, एकदम हलवाई जैसा, तो आप इतना तो करिएगा ही, नहीं तो आधा घंटा तो करना ही है। इसके बाद पता है कैसे चलेगा हमें गैस कब बंद करना है? तो इसके लिए हलवाई एक टिप रहता है, उनका एक सीक्रेट रहता है। वो क्या करते हैं, इतना तो आपको फ्राई करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जब इस फॉर्म में आ जाता है, देखिए एकदम लिक्विड है, एकदम लिक्विड है। देखिए आपकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे कि बैटर होता है ना, पूरा फ्री फ्लोइंग वैसा होना चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी में थोड़ा पानी लेना है, मतलब 1 tablespoon पानी ले लीजिए बस। अब देखिए कि आपका ये बेसन जो है पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए आप खुद देखिए, ये सारा बेसन ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हमारा बेसन भुनना हो चुका है। जब आपका इस स्टेज में आता है तो आपको गैस बंद करना है। ये देखिए सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया, मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ, सारा एब्जॉर्ब हो गया, हमारा बेसन हो गया। आपको गैस बंद करना है, उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब आता है हमारा हलवाई सीक्रेट। आपको एक कढ़ाई लेना है, मैं यहाँ पे 750 ग्राम शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके बाद तगार या पिसा हुआ चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हम हलवाई जैसा बना रहे हैं तो मैं पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ। तगार का मैंने अलग से भी रख दिया, बट यहाँ पर मैं जैसे बना रही हूँ आपको वैसे ही बनाना है। जब आपका चीनी पिघल जाता है, इसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा पीला कलर डाल रही हूँ। येलो कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसी से ही वो येलो ब्राइट सा कलर आता है, और 1 चम्मच घी। और आपका ये देखिए धीरे धीरे कैसे कंसिस्टेंसी बबल्स बढ़ रहे हैं। आप अगर 3 कप बना रहे हैं तो आप बस यहाँ पर सिर्फ 6 मिनट फुल स्टीम में काम करिएगा, गैस बिल्कुल ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो आपका दानेदार का नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने बस घड़ी से 6 मिनट बनाया है, पूरा नापा है मैंने, एग्जैक्ट परफेक्ट। और तुरंत आपको गैस के बर्नर से भी हटाना है, गर्म नहीं रखना है। अब इसको कंटिन्यू से चलाना है, एकदम फास्ट, मतलब यहाँ पे आपका हाथ बहुत फास्ट चलना चाहिए। देखिए ऐसे करते करते ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुछ नहीं चिपका है, आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं चिपका है। और आपको ऐसे ऐसे करते रहना है, फ्लैट करते रहना है ताकि कोई लम्स नहीं हो। कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई क्रिस्टल है, हमें यही चाहिए। और यही सीक्रेट है, यही आपके लड्डू को दानेदार बनाता है। पिसी हुई चीनी या तगार को हम लोग ग्राइंडर में पीस लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप इसको बिल्कुल भी ग्राइंडर में नहीं पीसिएगा। जब ये आपका हो जाएगा, बस मैं देखिए कैसे ये कच्ची से ही इसको कूट रही हूँ, जो बड़े बड़े लम्स हैं। ये देखिए कितना सुंदर तगार बना है, इसको बोलते ये जो हमें चाहिए, यही सीक्रेट है। इसी से बाहर के लड्डू या हलवाई के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। इसको बस आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए, कि जब ये थोड़ा काम करने लायक हो जाता है हम लोग को उसको छानना है। जी ये अभी यूज़ नहीं कर सकते आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 750 ग्राम का तगार बनाया पूरा यूज़ किया है। बस आप इसको ऐसे करके छान लीजिए, और जो बचा हुआ है उसको ये देखिए कितना सुंदर दाना आप देख रहे हैं, यही चमकता है लड्डू में, सूजी से नहीं चमकाएगी, ये देखिए। और यहाँ पे जो बचा हुआ है उसे हम कूट रहे हैं। आप चाहे तो बेलन से कर ले, सिलबट्टे पे पीस ले, ये मेरा क्यूट सा लिटिल शेफ हेल्प कर रहा है मेरा। तो बस हमारा ये शुगर रेडी हो गया है, इतना सुंदर दिख रहा है।
और अब हम बस इस बेसन में पूरा मिक्स करेंगे। अब इसके बाद हम लोग को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे आप देखिए, पहले मैं एक अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हाथ लगाना पड़ेगा, वो तो करना ही होगा। और आपको थोड़ा सा इसकी मालिश करनी। देखिए यहाँ पे आपका जो पूरा जो मिक्सचर है ना, वो एकदम दाना दाना होना चाहिए, तो ही बात है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, अभी तो बस शुरुआत है ये। तो यही सारे कुछ सीक्रेट टिप्स हैं जो हलवाई यूज करते हैं। ये बहुत सिंपल है, मेहनत तो है, मेरे तो हाथ दुख गए। देखिए आपको ऐसे ही करना है। ये मिक्सचर आप देख रहे हैं कितना सुंदर दिख रहा है और पूरा दाना दाना दिख रहा है। इसे बोलते हैं दानेदार लड्डू। इसमें कुछ नहीं डालना, ना सूजी डालना है, ना दूध डालना है, कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करना है। आप देखिए, बस आपका लड्डू बन गया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इस चैनल पे। तो देखिए सारे लड्डू रेडी हो गए हैं। इसके देखिए क्रिस्टल भी वाइट वाइट दिख रहे हैं, ये बस वो तगार का ही है। और अगर आपको मीठा कम लगता है तो बाद में आप पिसी हुई शुगर, पिसी हुई चीनी या बुरादा वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए देखिए इसके अंदर भी खाने में लगेगा कि बस बाहर से ही लाए। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।